नाज़रीन अर्ज़े पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं अर्ज़े पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन एक अफसोसनाक इस टाइम पर वाकया जो है वो डिस्ट्रिक्ट ये कोरंगी और लांडी टाउन दोनों का जो है ये सेंट्रल लगता है। मैं इस टाइम पर मौजूद हूं 51B और 51C के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पर आवाम पानी ना मिलने की वजह से सरापा एहतजाज है। वजह यह है यहाँ पर कि मेरे आप बिल्कुल पीछे आप अपने देख सकते हैं कि जो पानी आता है वो यहाँ से उसकी लाइन डिस्टर्ब है। लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से पानी यहाँ जो है टोटल जो है वो ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से 44C UC 8 की जो आवाम है वो इस टाइम पर रोड पे मौजूद है। लांडी टाउन चेयरमैन से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मसले को पर्सनली तौर पे आगे देखें, क्योंकि ये मसला आगे जाके एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से कुछ भी होने की जो है चांसेस। इस टाइम पर इतने सारे लोग, तकरीबन यहाँ 1000 की तादाद में लोग जो हैं वो रोड पर मौजूद हैं। तो जमीन साहब, मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ का विज़िट करें। UC 8 के चेयरमैन से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ का विज़िट करें आगे, और आगे देखें कि लोग पानी नहीं मिलने की वजह से कितने परेशान हैं। कुछ लाइन का इशू है, क्योंकि लाइन जो है यहाँ पर जो है आदि किसी के घर में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, और जब किसी के घर में कोई परेशानी नहीं तो ये सारे लोग पागल हैं जो इस टाइम पर रोड पर मौजूद हैं। आप लोगों के लिए मैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पानी के लिए परेशान हैं और हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या मसला है भाई? मसला ये है कि हमारे यहाँ एक हफ्ते से पानी नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? हम 44C में रहते हैं। UC कौन सा लगता है आपका? UC 8 है। यहाँ पर हमने सबसे कह दिया, इदारों में भी चले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ पे माफिया ने आके हमारी लाइन काट के और दूसरों को लाइन लगा कर दे दिए इसके अंदर, जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो गए। जब से वो कनेक्शन हुआ है, जब से हमारी 44C का पानी बिल्कुल बंद हो गया है। अब ये हो गई है हद हमारी कि हमारे घरों में इतना सा भी पानी नहीं है। हम किरायों पे रहने वाले हैं कि हम पानी भी खरीद रहे हैं और हम किरायों भी दे रहे हैं। आप अपना ये पानी का जो मसला है ये लेके UC 8 के चेयरमैन से गए थे हम उनके पास। उन्होंने बोला कि हमने आगे बात की है, ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ अभी तक। जमीन साहब का ऑफिस ये 2 कदम के फासले पर है, वहाँ पे क्यों नहीं गए भाई? हम वहाँ भी गए थे, हम 4 नंबर भी गए थे, हम सब जगह गए। ऐसा नहीं कि हम नहीं गए। जब हमने देख लिया कोई हमारा नहीं सुन रहा, तो हमने आज बाहर निकले। क्यों? आज जुम्मे का दिन है, हम लोगों ने नमाजें पढ़नी है, और हमारे घरों में ना खाने को पानी है पकाने के लिए, ना नहाने धोने के लिए। आप खुद बताएं कि आप ये बताएं यहाँ पानी जाया हो रहा है, गटरों में पानी जा रहा है, लेकिन 44C का पानी नहीं खोल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने माफिया को, आपने मुसल्लत हमारे ऊपर माफिया को कर दिया है, वो हमारा 44C का पानी बंद करके बेच रहे हैं।